तो दोस्तों अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं अभी घूम रहा हूँ इंडोनेशिया। फॉरेन ट्रिप चल रहा है मेरा अभी, ठीक है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा अभी मैं इंडोनेशिया में हूँ। काफी सारे ब्लॉग्स भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो ये वाला चीज मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए यूट्यूब के थ्रू मेरा काफी सारा सपना पूरा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सपना था कि कभी मैं विदेश भी घूमूंगा। अगर आप कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता है विदेश घूमना एक बहुत बड़ा बात हो जाता है हम जैसे लोगों के, क्योंकि विदेश जाना एक छोटा मोटा चीज नहीं। क्योंकि क्या है, लाखों में खर्चा है। एक एक फ्लाइट टिकट्स का ही रेट 15,000-20,000 रुपए एक साइड का सिर्फ जाने का लग जाता है। तो लाखों में एफर्ट करना काफी सारे लोगों के लिए कॉमन बात नहीं है। यहाँ तक कि जो जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, नौकरी वगैरह करते हैं, वो लोग तो जा ही नहीं पाएगा, सोचना पड़ता है उन्हें। मतलब अगर जाना है तो 6 महीने का पूरा सेविंग करना होगा, तब वो जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब का रिलेटेड में इतना पावर है कि आप फॉरेन ट्रिप हर 10 दिन में कर लोगे। और अगर आपका एक व्लॉग चैनल है तब तो भाई जितना आप फॉरेन ट्रिप में खर्चा कर रहे हो ना उससे ज्यादा कमा करके आ जाओगे, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह अपलोड होता रहेगा, अच्छा खासा अगर व्यूज आता है तो उतना पैसा आपका रिटर्न भी आ जाएगा और साथ ही आपका घूमना भी हो जाएगा। तो यूट्यूब के थ्रू दोस्तों मेरा सारा सपना पूरा हो ही रहा है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब के थ्रू ही आज मेरा जो कुछ है सब कुछ यूट्यूब की वजह से है। और ये भी एक बहुत बड़ा सपना था कि कभी ना कभी मैं भारत छोड़ करके विदेश भी घूमूंगा, और विदेश घूम करके मैं अभी बहुत मस्ती कर रहा हूँ इंडोनेशिया में। तो ये एक बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हो गया। अब ये सब चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये सब बताने से आप लोगों के अंदर में थोड़ा सा जुनून पैदा होता है कि हाँ करना है। क्योंकि अभी काफी सारे लोगों का कमेंट्स वगैरह मेरे वीडियोस में आते रहता है कि YouTube हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, ना ग्रो हो रहा है, ना व्यूज आ रहा है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 2-3 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखिए आपको हार नहीं मानना है, और कहीं ना कहीं अगर आपका ग्रो नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं अच्छे ट्रैक पे काम नहीं कर पा रहे, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हो तो जिस टॉपिक पे कभी कभी देखिएगा यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहता है, चाहे वो कॉन्ट्रोवर्सियल हो, ठीक है, कोई घमासान युद्ध हो, या फिर किसी के बारे में मतलब एक्सपोज्ड हो, बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलता रहता है, उन सबों को भी आपको कवर करना है। अब आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, अभी एक बहुत बड़ा दो मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके बीच में बहुत बड़ा एक महायुद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप इस पे कोई भी वीडियो बना रहे हो, कोई भी टॉपिक कवर करके वीडियो बना रहे हो तो आपका अच्छा खासा डेफिनेटली है कि व्यूज आएगा। यहाँ तक कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा, देखिए उसका व्यूज अच्छा है, अभी भी ये वीडियो का भी टाइटल एंड थंबनेल सेम इसी पे रहने वाला है, जिससे मुझे पता है इस वीडियो पे भी व्यूज अच्छा ही आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका एक ब्लॉग चैनल है तो भी आप इस वाले टॉपिक को कवर कर सकते हो। कैसे कर पाओगे, सिर्फ आपको अपने ब्लॉग में 1-1.5 मिनट इस वाले चीज को लेकर के बात कर लेना है। चाहे आप इस पे ओपिनियन दे दो अपना कि जैसे कि दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है ये गलत है, या फिर मतलब अपना ओपिनियन दे करके 1-2 मिनट का उससे रिलेटेड कुछ बात कर लो, और अपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में सेम लगा दो, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, टैग वगैरह वही लग जाएगा, थंबनेल में भी वही चीज लग जाएगा। मतलब अपने कंटेंट पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को इंक्लूड करना सीखना पड़ेगा, और ये चीज आपको खुद करना है। ये चीज आपको कोई हमेशा बता नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि ये वाला भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ तक कि इसमें काफी सारे लोग आज के डेट में वीडियो बना करके व्यू छाप भी रहे हैं, है ना, कितना कोई तो 10-10 वीडियो अभी तक छाप चुका होगा इसी टॉपिक पे, और अच्छा खासा व्यूज भी मिल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा अभी टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े दो मोटिवेशन स्पीकर है, दोनों का ही 20 मिलियन+ सब्सक्राइबर्स और अलग नाम है उनके बीच में। तो अगर आप इस पे कोई भी वीडियो बना रहे हो तो आपका अच्छा खासा चलने लगे। तो आपका अगर किसी भी कैटेगरी का वीडियो बनाते हो, किसी भी कैटेगरी का चैनल है, तो ट्राई करो इस पे वीडियो बनाने का, कवर करने का, टाइटल थंबनेल इसी पे लगाने का, आपका अच्छा खासा व्यूज देखने को मिलेगा, तो ही आपका चैनल ग्रो होगा। आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, घिसा पिटा वीडियो बनाते रहोगे तो ऐसे कभी काम नहीं चलने वाला। बाकी अभी मेरा इंडोनेशिया वाला ब्लॉग आप लोग देखो, जाकर ब्लॉग वाले चैनल पर इंस्टा पे फॉलो करो, स्टोरी वगैरह देखते रहो, पता चलता रहेगा, फेसबुक पे भी मैं अपलोड करता हूँ। बाकी आज का ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।